जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम दसाई निवासी आशुतोष कुमार पाटीदार द्वारा जनहितेशी मुद्दे एवं माता पिता के अधिकारों का हरण सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पैदल निवेदन यात्रा की जा रही है। 7 अप्रैल से यात्रा धार के दसाई गांव से प्रारंभ की गई है। आशुतोष कुमार पाटीदार लगातार प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। जगह जगह उनका समाजजन व अन्य समाजजनों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इसी दौरान शनिवार के दिन आशुतोष कुमार का देवास जिले के नेवरी फाटे पर पाटीदार समाज संगठन व अन्य समाज के लोगों ने स्वागत किया। आशुतोष ने बताया कि कोर्ट में लव मैरिज के लिए लड़की की उम्र 21 साल होना चाहिए एवं माता पिता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह 18 वर्ष की उम्र में लड़की की शादी कर दे, जिससे कि युवतियां अन्य समाज की युवकों के साथ भागकर शादी ना कर सके, क्योंकि वर्तमान में घर से माता पिता की बिना मर्जी से भागकर शादी करने के सिलसिले अधिक देखने में आ रहा है। साथ ही अन्य मांगों को लेकर यात्रा की जा रही है। यात्रा में समाजजन एवं अन्य समाज के लोग भी कुछ दूरी तक पैदल साथ में चलकर समर्थन कर रहे हैं। यात्रा का समापन 25 अप्रैल को भोपाल में मुख्यमंत्री व वरिष्ठ शीर्षक से मुलाकात कर यात्रा का समापन होगा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। मैं धार के दसई गांव से पधार रहा हूँ और मैं पैदल भोपाल यात्रा कर रहा हूँ, जिसका उद्देश्य वर्तमान में जो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का ढांचा राजनीतिक नियमों कानूनों की वजह से हो रहा है, जो कानूनन अधिकारों की वजह से हो रहा है, माता पिता के अधिकारों का हनन, उसको सभ्यता को विनाश की ओर न ले जाते हुए हमारे देश में जब विश्व गुरु बने तो मैं चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति और सभ्यता साथ रहे। इसके लिए मेरा छोटा सा प्रयास है। इसमें मैं सभी जनों को, सभी सर्व समाज के सदस्यों को इसमें शामिल करके एक समर्थन पत्र के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जितने भी ये कुरीतियाँ हमारे देश में जो पनपती जा रही हैं, जैसे 18 वर्ष के पश्चात सिर्फ एक उन्हें बालिग होने के अधिकार के कारण वो माता पिता को कभी भी त्याग सकते हैं और माता पिता उसके प्रति कुछ नहीं कर सकते, तो मैं चाहता हूँ उसमें माता पिता को भी परामर्श देने का अधिकार हो, माता पिता को भी अधिकार हो कि वो अपने बच्चे जो उन्होंने 20 साल पाला पोसा है उसे अपने जीवन में अधिकार डिसीजन लेने का पावर हो, लेकिन माता पिता के परामर्श से हो। इसमें हम ये चाहते हैं कि अरेंज मैरिज की जो है सरकार वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से उसके बारे में विचार विमर्श कर रही है उसे 18 वर्ष ही रखा जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति पढ़ाई करके अपना नौकरी नहीं करना चाहता है, वो कुछ अपना काम भी करना चाहता है, और सरकार अगर ये फैसला लेती है तो इससे हमारे देश की कुरीतियाँ और बढ़ेगी। इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ से वो आगे बढ़े और जब सरकार इस पर विधेयक पर बात करे तो कोर्ट मैरिज में जो भागकर शादी होने वाली है उसकी अपनी जो एज लिमिट लड़कों लड़कियों को बनाकर माता पिता की सहमति से 21 वर्ष में होना चाहिए, ये मेरी मांग है। और ऐसी ही 6 सूत्री अन्य मांगे हैं जिनको लेकर मैं भोपाल की तरफ यात्रा कर रहा हूँ, और मेरा सर्व समाज के मुख्य जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो मेन पदाधिकारी है उसे निवेदन है कि मेरा सहयोग करें और अपना सहयोग पत्र समर्थन पत्र मुझे देकर इस मेरे इस प्रयास को सफल बनाने में सहायता। कहाँ से शुरू की आपने यात्रा? ये यात्रा मैंने अपने धार के दसई गांव आता है, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर। लगभग कितने दिन की यात्रा होगी आपकी? मैं ये 7 अप्रैल से यात्रा कर रहा हूँ, आज की तारीख तक मैंने इतनी यात्रा कर ली है, उसमें मैंने सभी सर्व समाज से समर्थन प्राप्त किया। प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलते हैं आप? मैं आप प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूँ भोपाल जाकर, जिसमें मैं समाज में जागरूकता भी लाने का प्रयास कर रहा हूँ। भोपाल जाकर किस प्रकार से समापन करेंगे आप? भोपाल में जाकर मैं अपने देश के जो प्रधान लीडर्स हैं, जो मुख्य लीडर्स हैं, उनसे मैं इस समस्या से बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण जवाब के बाद में इस यात्रा पर कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। आपका नाम? मेरा नाम आशुतोष कुमार पाटीदार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।